जिला कांग्रेस द्वारा धार कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धार जिला कांग्रेस द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा घोड़ा चौपाटी स्थित लाल बाग परिसर से विशाल रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, सरदारपुर विधायक प्रताप सिंह ग्रेवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष धीरज दीक्षित, राजेश पटेल, राकेश डोंड, गौतम प्रजापत, मनोज गौतम, लियाकत पटेल और वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार बंद करने के नारों के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय में पहुँच कर धार जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोट को जिला कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि अतिवृष्टि के कारण किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के मामले में मध्य प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार से प्रदेश के किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे प्रभावित अन्नदाताओं किसानों को अधिक विलंब से राहत मिल सके। 4 अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके किसानों की फसलों को हुए अतिवृष्टि से नुकसान की जानकारी संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपा था। कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि केंद्रीय अध्ययन दल प्रदेश में भेजकर क्षति का वास्तविक आकलन करके फसलों को हुई भारी तबाही की स्थिति को देखते हुए आपदा की श्रेणी में रखने की मांग की थी, लेकिन अध्ययन दलों की रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने के बाद भी अब तक राहत की कार्यवाही नहीं की गई है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस ही समर्पित प्रदेश के प्रति केंद्र सरकार का रवैया रोषपूर्ण है। केंद्र सरकार ने भेदभाव नीति अपनाते हुए एनडीए और भाजपा समर्पित कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों को तो सहायता राशि प्रदान की, पर मध्य प्रदेश का इस विपदा की घड़ी में अब तक कोई राहत नहीं की है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार किसानों के हित का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी से राहत की उम्मीद रखती है, जो कि मध्य प्रदेश के किसानों का अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जन उपस्थित रहे। धार से महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ हरीश आर्य की रिपोर्ट।